शेयर्स हैं उसको अगर आप चेक करेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल जिस पे रिपोर्ट आई है नोवामा की, एशियन पेंट्स जिसके नंबर्स कल ही आ गए थे, नंबर्स और नंबर्स अच्छे थे। कल हमने आपके सामने एक बात बोली थी एशियन पेंट्स को लेकर कि अच्छे नंबर ऑन द बैड डे आ गए, नहीं तो ये चलता जरूर कल ही कल में, लेकिन आज ये काम कर रहा है 0.5% ऊपर। TCS, कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयर पॉजिटिव खुल रहे। पहला टिक मार्केट का आ चुका है 148 पॉइंट की गिरावट के साथ। निफ्टी ने 21,400 अपने रखा है। आज कांटे की टक्कर होगी पहले पहले 15-20 मिनट में। 700 वर्सेस 700 शेयर आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। बैंक निफ्टी 45,000 यानी कि 46,000 के नीचे आके अब ट्रेड कर रहा है। गौतम का अगर आप सुन रहे होगे तो उन्होंने ये बात बताई थी कि 45,500 पे आके एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो गैप वाला बेस भी है और वहीं से बाजार ने बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी दिखाया हुआ है, इसलिए इस बेस को आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक इस समय करीब 45,500 के आसपास ही है जहां पर वो बता के गए थे आपको। दूसरा पॉइंट है, अगर आप HDFC को शुरुआत में आप देख रहे हैं तो HDFC की गिरावट अभी 3% है, लेकिन LTI माइंट्री करीब 9% 10% के अभी भी सर्किट पर लॉक है। आते हैं फटाफट से गेनर्स पे। अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा मोटर, LNT, ये शुरुआत में कुछ एक शेयर्स हैं। इसमें अभी रिलायंस नहीं आया, इसमें एक शेयर आ गया जो मेरे को कल से बहुत पसंद है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, वो SBI। ठीक है, आप जरा रिलायंस को भी दिखाइए, वो भी आ गया हरे निशान में। तो रिलायंस, SBI, LNT तीन बड़े प्लेयर ऑलरेडी मार्केट के अंदर इन कर चुके हैं। टाटा मोटर्स भी इन कर चुका है कि हम बचाने के लिए आपके सामने खड़े हैं। देखते हैं आज बाजार के अंदर क्या होता है और मेरे को लगता है कि सुबह वाला आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी बेहद आपके काम आएगा। अब 800 वर्सेस 800 सामने सामने शेयर्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं, ये आपको होते हुए दिख रहा है। 550 पॉइंट की गिरावट के बाद 45,000 बेस बनाने की अटेम्प्ट बैंक निफ्टी आपको स्क्रीन पे करता हुआ दिख रहा है। डॉट 45,500 पे ही हम आके ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो बिल्कुल लास्ट का शेयर देख रहे हो LTI माइंडट्री, HDFC 3% है, एशियन पेंट्स है, पहला हरा टिक दिखाने के बाद अब वो 3% फिर से नीचे आ गया, लेकिन इसका शुरुआत में करीब 0.5% ऊपर था। ICICI से बैंक 1% की गिरावट और विप्रो के अंदर करीब 1% तक की गिरावट है। कुल मिला के जो एक्सपर्ट्स आपको कह रहे थे कि 10-15 मिनट रुकना चाहिए, रुक रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप लेवल से प्ले करते हैं तो और भी अच्छी बात है। ICICI से पोटेंशियल नंबर आने से पहले हमने आपको बताया था वीक कैंडिडेट होगा और एक कमजोरी होगी। आज ICICI से पोटेंशियल भी नीचे है, ये दो दिन पहले हमने आपको डेरिवेटिव एंगल से जो शेयर रखते हैं वो उसमें हमने आपके सामने जानकारी रखी थी प्रियंका। ऑल राइट, ठीक है, चलिए अब एक बार मिड कैप में देख लेते हैं कहाँ पर बड़ा एक्शन दिख रहा है। पहला एक्शन तो ऑफकोर्स OFSS में आपको 10% की मूव दिख रही है टॉप गेनर्स में। पॉलीकैप अनदर 2%, इसके नंबर्स भी आने आज। इसके अलावा दूसरे स्टॉक्स में ट्राइडेंट, पर्सिस्टेंट में तेजी है। ऐसा नहीं है कि सारे मिड कैप IT में हैमरिंग है अगर LTI माइंडट्री के रिजल्ट खराब है। LTI माइंडट्री में जरूर 10% आपको इस वक्त 9% आपको गिरावट दिख रही है। IEX, इस पर जो कपलिंग का इशू है, कल भी इस पर हैमर्ड था, 10% की गिरावट वहां थी, आज भी आपको नदर 3.5% की आपको यहाँ पर डैमेज दिख रहा है। कोफोर्स थोड़ा सा हैमर्ड इस वक्त दिखाई दे रहा है, और ऑफकोर्स दूसरे कुछ और काउंटर्स में, फाइनेंशियल काउंटर, मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक काउंटर्स में भी थोड़ी सी अभी आपको सॉफ्टनेस सी दिखाई दे रही है। एक बार स्मॉल कैप में भी क्विकली देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह की मूव है। इनफैक्ट बहुत बड़े डैमेज आपको स्मॉल कैप या मिड कैप में, क्योंकि स्पेसिफिक स्टॉक्स में ही जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ एकदम। रियल एस्टेट आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, शोभा डेवलपर्स 1% की तेजी, इंडिया बुल फाइनेंस हाउसिंग यहाँ पर ट्रिगर था फंड रेज का, वहाँ 1% की तेजी आपको दिख रही है। सीमेंट काउंटर्स तेज है, एनर्जी पैक से आपको सुजलॉन जैसे काउंटर्स तेज दिख रहे हैं, वेल्सपन जैसे काउंटर्स आपको तेज दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी सॉफ्टनेस जिनमें न्यूज का एक्ट ट्रिगर है वहाँ पर देखिए। अगर आप देखें ना, जो हमने बताया था कि प्राइवेट दूसरे प्राइवेट बैंक्स में आप दूसरे प्राइवेट बैंक्स में दबाव HDFC बैंक की वजह से उम्मीद थी, कल भी दिखा था, आज भी थोड़ा वो दबाव दिख रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे, और हो सकता था नीचे से थोड़ा सा ऑफ लो हुआ फर्स्ट टिक से, बट स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है। रिलायंस ने हमने कहा था कि रिलायंस में नजर रखी है, जब वो खींचेगा एक इंजन की तरह और एग्जैक्टली इंडेक्स को मदद करता हुआ रिलायंस नजर आ रहा है डेज हाई की तरफ, जबकि बैंक्स अब धीरे धीरे फार्मा स्टॉक्स, हमने दूसरा आपको क्या बताया था, फार्मा स्टॉक्स पर नजर रखें, वहां भी आपको बाइंग आ रही है और स्टेबिलिटी आपको दिख रही है। एशियन पेंट 4-5% ठुका था खुलते ही, लेकिन उसमें भी रिकवरी आ गई। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से टिल्ट हो रहा है एडवांस डिक्लाइन, डॉक्टर साहब जरा एडवांस डिक्लाइन का आप ओपनिंग लेके आए, टिल्ट हो रहा है धीरे धीरे एडवांसेस की तरफ, लोगों को थोड़ी सी जान आ रही है बाजार में। यस, देखिए टिल्ट हो रहा है, उतना खराब नहीं है, 2:1 है इनफैक्ट, 2 स्टॉक्स एडवांसिंग टू एवरी 1 डिक्लाइनिंग।
उतना बुरा हाल नहीं है। प्राइवेट बैंक्स तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्सिस बैंक को आप देखिए पिछले 5 मिनट में बाइंग देखी है। ये एक्सिस आ गया, एक्सिस से अभी भी नीचे, इंडसइंड भी नीचे, धीरे धीरे देखते हैं। इनफैक्ट HDFC बैंक भी 3.5 का अब 3.25 रह गया।